अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो लेक्चर दे जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इबरतनाक है और बहुत ही बेहतरीन वाक्य आई है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी का ये वाक्य है और हज़रत अली कि एक बच्चा ऐसा होता है जो 6 महीने में पैदा हो जाता है। ये वाक़िया है सऊदी अरब का, उस ज़माने में जब हज़रत उस्मान गनी खलीफा थे तो उनके सामने ये वाक़िया पेश आया और उन्होंने क्या फ़ैसला सुनाया। और आइए ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो ज़रिए से, क्या वो बच्चा हराम का है या हलाल का है, क्या 6 महीने में बच्चा हो सकता है या नहीं है, क्या कुरान हदीस से साबित है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को बड़ा मेहरबानी एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी के इंशाल्लाह वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़े से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया ये बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाकया था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फ़ैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में भी जा पहुँची। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मैदान के बजाय जहाँ उस औरत को संगसार किया जाना था वहाँ पर ना जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ऐ उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फ़ैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आपने ये गलत फ़ैसला किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है।
हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा। हज़रत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल ले, जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अली बात तो तुमने ठीक कही है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अली तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, अल्लाह ना करे उस औरत को संगसार कर दिया तो क़यामत के दिन मैं उस्मान का क्या बनेगा। और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए उस औरत को बचाइए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और ज़ारो कतार रो रही है और उसे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुँच गए, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पहुँचते ही हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रजम को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने यानी उस ज़मीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ऐ मेरी बहन मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से मुझे रजम तो किया जा रहा है लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जिनाह तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा क्योंकि कुरान शरीफ में ये फ़ैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाकया, ये वीडियो पसंद आया होगा। ये तमारा रिएक्शन जो हमने देखा और पूरी हकीकत पूरी सच्चाई पता चल गई है कि 6 महीने में बच्चा हो सकता है और ये कुरान से साबित है। तो हज़रत उमर उस्मान गनी अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला सुनाया था लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला वापस दिया हज़रत अली के कहने पे। उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा हो सकता है। तो देखा आप लोगों ने क्या सच्चाई थी, क्या हकीकत थी, 6 महीने में बच्चा हो सकता है। आला कैसे कभी सुना नहीं हम लोगों ने भी, लेकिन ये वाकया उस ज़माने का है जब हज़रत उस्मान जब खलीफा बने थे तब का ये वाकया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।